वेलकम बैक टू एवरी वन ना एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे जी ट्वेंटी और ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी की तो जान लेते हैं ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी क्या है बेसिकली ये नाइन्टीन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और नाइनटीन कंट्रीज़ के साथ यूरोपियन यूनियन भी है तो एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म है ये जिसे हम ग्रुप ट्वेंटी भी कहते हैं इसका काम क्या है हमारे देशों ने वर्ल्ड ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं जिसकी वजह से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था कई सारी कंट्रीज़ को तो उसी के लिए ये काम करता है लाइक ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे सामने इमर्ज हो के आई है दैट इज़ ए क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कम किया जा सके उसके ऊपर सहमति बनाई जा सके और आगे जो डेवलपमेंट हो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो इसके ऊपर भी ग्रुप ट्वेंटी काम करता है और भी डिटेल हम जानेंगे ग्रुप ट्वेंटी के बारे में तो जो ग्रुप ट्वेंटी है इज़ कम्पोज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड वो कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि यू हो गया यू हो गया जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ही डेवलप हो चुकी थी और डेवलपिंग नेशन वो होते हैं जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड नेशन भी बोलते हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं जैसे बांग्लादेश हो गया इंडिया हो गया कई सारी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो गई जैसे अफ्रीका हो गया, गया ब्राज़ील हो गया तो ये सारी डेवलपिंग नेशन आती हैं तो ये सारे ग्रुप ट्वेंटी में हैं जो कि काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए ग्रुप ट्वेंटी का निर्माण हुआ था 1999 को रेस्पॉन्स टू द सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कई तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखे हैं तो इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस आगे ना आए तो ग्रुप ट्वेंटी बनाया गया था अब देख लेते हैं कि 2021 से 20 मेंबर जो हैं ग्रुप ट्वेंटी में उसके बारे में जान लेते हैं अर्जेंटीना है ऑस्ट्रेलिया है ब्राज़ील है कैनेडा है चाइना है यूरोपियन यूनियन है फ्रांस है जर्मनी है इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रशिया सऊदी अरब साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया टर्की द यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स तो ये सारी इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशन है जो कोलैबोरेट करके ग्रुप ट्वेंटी बनाते हैं स्पेन इज़ परमानेंट गेस्ट यूनिविटी स्पेन मेंबर नहीं है लेकिन वो एक परमानेंट गेस्ट है ग्रुप ट्वेंटी का एजेंडा क्या है ग्रुप ट्वेंटी का सबसे पहले तो फाइनेंशियल फोकस जितनी भी इनस्टेबिलिटी आती है फाइनेंशियल सेक्टर में तो उसके ऊपर फोकस किया जा सके इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसा ना हो कि एक देश की अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो जाए और दूसरे देश की डेवलपमेंट ही ना हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए यानी कि हर एक देश की डेवलपमेंट होनी चाहिए अब आगे जान लेते हैं कि G7, G8 एंड G20 में फ़र्क क्या है जब हम G7 की बात करते हैं तो इसमें हमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी यूके, फ्रांस कनाडा, जापान इटली एंड यूएस। और जब हम रशिया को शामिल करते हैं बीच में तो ये बन जाता है ग्रुप एट और जब हम डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ हो गई ब्राज़ील जैसी कंट्रीज हो गई जो अभी डेवलप हो रही हैं तो ये बन जाता है ग्रुप ट्वेंटी जिसमें आता है ब्राज़ील साउथ कोरिया मैक्सिको चाइना इंडोनेशिया सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ अफ्रीका तो बेसिकली यही है ग्रुप ट्वेंटी जिसमें कि जी सेवन जी एट और जी ट्वेंटी इन तीनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच